आज के एपिसोड में अक्षरा की देखभाल को लेकर अभिमन्यु और कैरव आपस में लड़ते हैं। मनीष कैरव को रुकने के लिए कहता है। कैरव मनीष से सवाल करता है कि कोई भी अभिमन्यु से सवाल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्षरा उसकी वजह से बीमार पड़ गई थी। अक्षरा जाग गई। अभिमन्यु अक्षरा को बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अक्षरा अभिमन्यु के साथ अपनी लड़ाई को याद करती है। वह उसे गले लगाती है। अक्षरा को पता चलता है कि अभिमन्यु को भी बुखार है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वह अस्वस्थ है। अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों एक दूसरे को दवाई भी खिलाते हैं। नील मंजरी से कहता है कि हर्ष के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसे खेद है, लेकिन वह असहाय है। मंजरी नील से कहती है कि उसने भी कभी हर्ष के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन जब उसने अभिमन्यु और अक्षरा का अपमान किया तो उसने अपना आपा खो दिया। अक्षरा और अभिमन्यु ने अपनी गलतफहमी दूर की। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। अभिमन्यु और अक्षरा को एक साथ देखकर गोयन का खुश हो जाता है। कैरव अभिमन्यु की उपेक्षा करता है। अभिमन्यु अक्षरा को कन्फेशन स्पॉट पर ले जाता है। अक्षरा अभिमन्यु से उस जगह पर उनके आने का कारण पूछती है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वह जगह जादुई है, क्योंकि यह उसका तनाव दूर करती है। अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि क्या वह तनाव में है। अभिमन्यु अक्षरा से उसे एक वादा देने के लिए कहता है। वह अक्षरा से वादा करता है कि वह बिरला हाउस में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेगी। वह अक्षरा को अपनी शादी की जिंदगी पर ध्यान देने के लिए कहता है। अभिमन्यु अक्षरा से वादा करने के लिए कहता है कि वह बिरला के सदस्यों से दूरी बनाए रखेगी। वह अक्षरा से कहता है कि बचपन से ही उसने घर में बेवजह देखा है और दर्द होता है। अक्षरा अभिमन्यु को गले लगाती है। वह अभिमन्यु से कहती है कि एक दिन वह खुद पारिवारिक समस्याओं का समाधान करेगी। अक्षरा को इंटरव्यू का कॉल आता है। वह अभिमन्यु से उसे अनुमति देने के लिए कहती है। अभिमन्यु का कहना है कि उसे किसी भी चीज के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बाद में महिमा और हर्ष को अक्षरा के चैरिटेबल ट्रस्ट में इंटरव्यू के बारे में पता चलता है। दोनों ने अक्षरा को फटकार लगाई। अक्षरा महिमा और हर्ष को करारा जवाब देती है। हर्ष कहते हैं कि उच्च समय नील को भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। अभिमन्यु अक्षरा को चैरिटेबल अस्पताल में काम करने से रोकने की कोशिश करता है। अक्षरा अभिमन्यु से उस पर भरोसा करने को कहती है।